उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में जीडीसी प्रवक्ता के लिए जो विज्ञापन है वो 2020 में जारी किया था। उसके बाद लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, जबकि 2022 में 300 से ज़्यादा पदों का अध्याचल लोक सेवा आयोग को पहुँच चुका है। 2020 में जब ये विज्ञापन जारी किया गया था तब मात्र यहाँ पर 128 पदों पर ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार पदों की संख्या अच्छी खासी हो गई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और क्या इसमें एज लिमिट रहती है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पिछला न्यूज़पेपर आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अक्टूबर 2022 का। यहाँ पर देखिए बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर जल्द होगी भर्ती। ये पिछले साल की न्यूज है और पिछले साल ये बताया गया था कि 22 विषयों में 356 पदों का जो अध्याचन है लोक सेवा आयोग पहुंच चुका था और वहां पर इसका विज्ञापन जारी होगा। लेकिन पिछले साल ये विज्ञापन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन आज के समाचार पत्रों में ये अपडेट देखो फिर से निकल के आ चुकी है। यहां पर देखो ये आज का ही समाचार पत्र है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पदों पर भर्ती की तैयारी। जो पद थे 300 के ऊपर, ये पद 750 के आसपास हो चुके हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर के अब इन पदों को जो है लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज करके यहाँ पर ये विज्ञापन जारी होने की बात कही जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। अगर बात करते हैं कि किन किन विषयों की यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, तो जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके ग्रेजुएशन में उन सभी विषयों पर भर्तियाँ होंगी। जैसे कि पिछली बार जब विज्ञापन आया था तो मात्र 19 विषयों के लिए आया था, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जूलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशोलॉजी, संस्कृत और हिंदी। ये 19 विषयों का आया था, लेकिन इस बार पद ज़्यादा हैं तो हो सकता है इसमें जो है कुछ और भी सब्जेक्ट ऐड हो जाएं, ठीक है। पिछली बार वैकेंसी काफ़ी कम थी, इस बार वैकेंसी अच्छी है। अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो 18 से आई थिंक 40 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट आपकी रहती है, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पर मिनिमम 21 वर्ष रहेगी और अधिकतम 40 ईयर्स रहेगी, ठीक है। ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रेड पे यहाँ पर 6000 से स्टार्टिंग होती है, जिसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी बनती है। लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है पेमेंट मिलता है। मिनिमम जो पे बैंड होता है 15600 रुपये होता है, यहाँ पर ग्रेड पे आपका 6000 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, तो इसके बारे में देखो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कम से कम आपका जो ग्रेजुएशन है सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। सेकंड डिवीज़न का मतलब आप लोग समझते हैं कि 45% होता है, 45% से जो है 60% से नीचे जो होता है आपका सेकेंड डिवीज़न माना जाता है। तो अगर 45% भी मिनिमम मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, ये प्रवक्ता की भर्ती जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर पीजी भी आपका होना चाहिए। तो पीजी में यहाँ पर बोला गया 55% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। अब ये जो 55% की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर बोला गया है कि इसके लिए जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको 5% की छूट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से जनरल के छात्रों को, अन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 55% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ओबीसी वाले छात्र पूछेंगे कि क्या हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा 5% का, तो यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल पर ही आपको 5% की छूट मिलेगी, ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं मिलेगी। और ये किसको किसको मिलेगा, तो एससी बोला गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी, और डिफरेंशली जो एबल्ड हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीप एंड हार्ड हियरिंग, ये जो भी दिव्यांग भर्ती उनको यहाँ पर जो है छूट मिल जाएगी, ठीक है।
जो अभ्यर्थी यहाँ पर पीएचडी किए हुए उनको भी यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड टू द पीएचडी डिग्री होल्डर्स आल्सो। लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं कि जो पीएचडी डिग्री आपकी है वो 19 सितंबर 1991 से पहले का होना चाहिए। तो यूजी हो गया, पीजी हो गया, लेकिन यहाँ पर एक एग्ज़ाम आपके पास और होना चाहिए क्वालिफाई, वो है आपका नेट। जो अभ्यर्थी नेट किए हुए हैं वही यहाँ पर एक तरीके से पात्र होंगे, या तो नेट हो आपका या फिर पीएचडी हो। अगर आपने स्लेट एग्ज़ाम पास किया हुआ है, सेट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये जो सेट एग्जामिनेशन होता है ये केवल स्टेट में ही वैलिड होता है। तो उत्तर प्रदेश का सेट होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी दिनों से तो सेट का आयोजन ही नहीं किया गया है, ज़्यादातर छात्र उत्तर प्रदेश में नेट वाले हैं, तो नेट हो या आपके पास पीएचडी हो तो इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती होती है, पिछली बार यहाँ पर ये बताया गया था कि कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से अभ्यर्थियों की छटनी कर दी जाएगी, इसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस था यहाँ पर, बाकी डिटेल जो इसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो मैं अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है, जो भी आपको जानना हो एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस या अन्य कोई चीज़ इससे जुड़ी हुई, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा। जो भी चीज़ें होंगी यथासंभव मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2020 में जारी किया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।